बरम हूत बह ज्वाला पंजरांतरव्यवस्थिति बरम हूत बह ज्वाला पंजरांतरव्यवस्थिति न सौरी चिंता विमुख जनो संवास वैशेषम आलिंगनम बरम मन्ये बाल व्यग्रो जलौकसम न संग शल्ययुक्तानां नाना देवैक सेवितं वरं हुतो बहु ज्वाला पञ्जरान्तोर्व्यवस्थितिः न सौरी चिंता विमुख जनो संवास वैशसम गौड़ियो गोष्ठीपति श्रीशील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर पोपा जगत गुरु जी ने बताए असत्संग त्याग ए वैष्णव आचार। किसी भी हालत से असत्संग त्याग देना चाहिए। असत भी सहो संगस्तु न कर्तव्या कदाचनो जस्मात् सर्वार्थ हानि जस्मात् सर्वार्थ हानि प्रजायते अधपातस्य जायते जस्मात् सर्वार्थ हानि अधपातस्य जायते। गौड़ीय गोष्ठीपति श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जगत गुरु जी ने बताए असत्संग त्याग ए वैष्णव आचार। लेकिन असत्संग त्याग करने के बाद हमारा क्या इरादा है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। असत्संग त्याग ए वैष्णव आचार्य तो ठीक है, लेकिन असत्संग त्याग देने के बाद मेरा इरादा क्या है। जबकि शास्त्र में बताया असत भी सहो संगस्तु न कर्तव्य कदाचन जस्मात् सर्वार्थ हानि अधपातश्च जायते। गौड़ीय दर्शन का सबसे बड़ा अनमोल चीज है सूक्ष्म दर्शन। इस तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल, कैसे असत्संग को त्याग देना चाहिए और एट ऑल असत्संग मेरा जिंदगी से गया कि नहीं, इसका क्या सबूत है। असत्संग त्याग वैष्णव आचार ठीक है, सबसे बढ़िया चीज है, असत्संग किसी भी हालत से त्यागना चाहिए। लेकिन असत्संग त्यागने का बाद प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हमारा मकसद क्या है। असत्संग त्याग करने का बाद प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि सत्संग ग्रहण का अगर कोई चेष्टा नहीं है, असत्संग त्याग मतलब है सत्संग ग्रहण करना। प्रभुपाद विचार करके कह रहे हैं असत्संग त्यागने का मतलब यही है कि सत्संग ग्रहण करना। असत्संग भी नहीं करेंगे, सत्संग भी नहीं करेंगे, ये हो ही नहीं सकता, तो मायावादी। ये भी असत्संग, ये हो ही नहीं सकता। मैं असत्संग नहीं करूँ, मेरे को असत्संग नहीं करना चाहिए और सत्संग भी नहीं करना चाहिए, ऐसा होता नहीं। तमाम भजन का जो रहस्य है, तरक्की है, ये असत्संग का ऊपर डिपेंडेंट है। कृष्ण भक्ति जन्ममूल है साधु संग और कृष्ण प्रेम प्राप्ति ते तेहो है। ये जब प्रेम कृष्ण प्रेम प्राप्ति का विषय में ये भी बेसिक थिंग, बहुत फंडामेंटल चीज है। रूप गोस्वामी पाद जी ने रसामृत सिंधु में बताए बरम हुता बह ज्वाला, बरम हुता बह ज्वाला पंजरांतर व्यवस्थिति न सौरी चिंता विमुख जनो संगवास वैशेषम। इसका मतलब है ठाकुर जी को प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु हो सके तो मेरे को एक पिंजड़े का अंदर रख के चारों ओर आग जला दो, मेरे को एक पिंजरे का अंदर रख के कैदी करके चारों ओर आग जला दो, फिर भी मंजूर है।
लेकिन भगवान का चिंता के विमुख जन जो है, नौ सौरी चिंता विमुख जनो संगवास वैशम, मरने से भी ज्यादा कष्टदायक है मेरे को हरि विमुख जन के सामने आप रख दो। भक्तों का ऐसा ही चाहत है, सच्चा भक्तों का ऐसा ही चाहत है, मिलावटी नहीं चाहते वो लोग। सत्संग भी चले महाराज, असत्संग भी थोड़ा चले, क्या है उसमें, अरे एडजस्टमेंट करना चाहिए। प्रभुपाद का विचार से ये लोग का जो एडजस्टमेंट प्रोसीड्योर है सरासर गलत है, क्योंकि मैं एडजस्टमेंट करने जाऊं तो अगर एडजस्टमेंट करने का मेरा अंदर में इच्छा है तो किसका साथ एडजस्टमेंट करें, किसी सोसाइटी का साथ, किसी कमजोर आदमी का साथ, उल्टा सीधा सिद्धांत तो बोले उसका साथ, ये तो एडजस्टमेंट का बाद पैदा होता। एडजस्टमेंट का जो ये मतलब है, इसका माने है जिसका साथ मैं एडजस्टमेंट करने जाऊं उससे थोड़ा नेगेटिव चीज को ग्रहण करना और हमारा पॉजिटिव चीज जो है उसको छोड़ना, यही एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट का जो खुलासा है इसमें यही है, मेरा अंदर में जो पॉजिटिव चीज है वो थोड़ा बहुत उसको छोड़ दो और उसका अंदर में जो नेगेटिव चीज है उसको ग्रहण कर लो। लेकिन पक्का जो भक्त है ये लोग का अंदर में कभी एडजस्टमेंट का कोई बात ही, ये सब एडजस्टमेंट नहीं चलता है। हो सके दुर्बल आदमी है, मठ में बहुत अपराध कर रहे हैं, उल्टा सीधा उसको समझाओ बुझाओ, ये ठीक है। ये म्यूचुअल एडजस्टमेंट का मतलब ये नहीं जे पहुंचा हुआ संत जो है अपना आचार आचरण छोड़ के वो बंदरों के साथ मिल के नंगा नाच शुरू कर दे, ऐसा नहीं। अक्सर ये आदमी सोचते हैं एडजस्टमेंट नहीं है, एडजस्टमेंट मतलब ये नहीं कि जिसका आचरण है वो सब छोड़ दे और वो बंदरों के साथ नाचना शुरू कर दे। एडजस्टमेंट मतलब है क्षमा करे, लेकिन वो फिर भी बद्धजीव अगर कोशिश करे कि महाराज क्या बोल रहा है उसको सुने समझे अपना जिंदगी में आचरण करे वो तो ठीक है, नहीं तो हो गया। और मठ में मठवास का यही सबसे बड़ा मकसद है, मठवास का यही सबसे बड़ा मकसद है कि इसमें मेरे को सत्संग श्रेष्ठ व्यक्ति का आचरण देखने को मिलेगा और उसी हिसाब से अपना जीवन जिंदगी का तरक्की कर लेंगे, हो जाएगा। अगर श्रेष्ठ वैष्णव नहीं है किसी सोसाइटी में मठों में तो ये मठ नहीं रहेगा, मठ नहीं रहेगा, उल्टा हो जाएगा पूरा। बहुत बार हम कह चुके हैं कि एक हॉस्पिटल बनाया और हॉस्पिटल में सारे मरीज है, कोई डॉक्टर नहीं है, तो मरीज जो है एक मरीज दूसरे मरीज को शरीर सहायता करने के लिए, अरे ये बोमी कर रहा है, अरे ये इसका बुखार तेज है अपने आप में, ऐसा करके एक दूसरे का सहायता करने चले आए, इसका लूज मोशन हुआ है। तो ऐसा देखा जाए तो एक का कोलेरा हुआ है, एक का कोरोना हुआ है, एक का टाइफाइड हुआ है, एक का मलेरिया हुआ है, एक दूसरे को सहायता करने जाए तो किसी का तो बीमारी खत्म होने का कोई सवाल ही नहीं है, किसी का कोई बीमारी का कोई ठिकाना नहीं हुआ है, उल्टा सीधा हो जाएगा। एक का एक बीमारी है और तीन तीन चार चार बीमारी और इसका अंदर में आ जाए, क्योंकि कंटमिनेशन है। ये सामान्य चीज सोचने का भी विचार नहीं करते आदमी लोग, विचार नहीं करते, चिप सेंटिमेंट का बात बोल देते हैं। एक का एक बीमारी है और
और तीन चार बीमारी उसके अंदर में आ गया, और इलाज करने वाला तो कोई है नहीं। इलाज तो एक ही है, इलाज एक ही है, इलाज रसगुल्ला नहीं, छाने का रसा नहीं, इलाज एक ही है हरि कथा, नहीं तो जहन्नम में जाओ। कितना भी मठ बनाओ, कुछ भी करो, कितना भी पैसा का ताकत दिखाओ, और अंतिम में जाओ जहन्नम में चले जाओ, ये सोचता नहीं कोई। गीता में भी ठाकुर जी ये बताए, इसी का लिए सत्संग जरूरी है कि जत जत आचरति श्रेष्ठ तत्तदेवे तरो यन सयात प्रमाणम कुरुते लोक तदनु वर्तते। आजकल के जमाने में सबसे बड़ा जरूरी चीज है आदर्श, आइडियलिज्म। किसी का पास पैसा का कोई कमी नहीं, चाहे जितना भी बुरा हालत हो, पैसा है सबको ही पास, एक चीज नहीं है, वो है हरि कथा हरि कीर्तन। और श्रीमान महाप्रभु जी ने एक ही बात बताए, प्रभुपाद जी खुल्लम गुलाम तो अंग्रेजी कथा में बता दिए, प्रभुपाद का एक पूरा अनमोल उपदेश। मैं 40 सालों में किसी को नहीं देखा वास्तव कृष्ण भजन के लिए तैयार है, प्रभुपाद जी का कहना है, इंटरनेट में ऑलरेडी पब्लिश हुआ। एक भी नहीं मिला जो वास्तव नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण का भजन करने के तैयार है, वृंदावन चंद्र। किसी का अंदर में वास्तव हरिकथा सुनने का कोई प्रयास प्रचेष्टा नहीं देखा। किसी ने थोड़ा बहुत तत्व ज्ञान आदि प्राप्त कर लिया, वो नाम कमाने में लगे हुए हैं, हरिकथा बोलने प्रीचिंग का नाम पे अपना अपना सोच रहे हैं। प्रीचिंग का मतलब तमाम गुरु वैष्णवों का बात बोलना, अपना कोई नहीं बोलना। प्रीचिंग का मतलब है हर वक्त सौत पंथा गुरु वर्गो का बाती को पुनः पुनः उच्चारण करना। प्रीचिंग का मतलब ये नहीं कि हम कितना बड़ा बंदर बन गया, हनुमान बन गया, देखो कितना फिलोसफी जानते हैं, ये प्रीचिंग नहीं है। महाराज काल समय नहीं मिला, फिर भी रात 10:10 बांग्ला पे हरि कथा बोलना पड़ा श्रीला बामन गोस्वामी महाराज का तीर्थधाम तिथि उपलक्ष्य में, फोन पे, वो भी फोन पे। बहुत सारे 50-60-80 आदमी मौजूद है कुमार गांव में। पहले साल भी ऐसा ही किया, आधा घंटा बोला फोन पे। अब मैं दुखी हूँ महाराज जी का तीर्थ, किंतु बोलने का टाइम नहीं, एक करने जाओ तो दूसरा छूट जाए। गोवर्धन में रहते थे तब भी बहुत सारे बावन गोस्वामी महाराज के बारे में बहुत सारे हरि कथा है, लेकिन अब टाइम नहीं मिल रहा है, व्यस्त हैं। जो भी है, ये हरि कथा बोलना हरि कथा सुनना, इसी में सक्सेस छुपा हुआ है, सौभाग्य की बात है। सौभाग्य की बात है जे गुरु वैष्णव लोग मेरे को कृपा करके ये सेवा दे रहा है, बड़ा आभारी हूँ मैं। जो भी है, तो ये हरि कथा कीर्तन अगर नहीं है, प्रभुपाद इतना साल पहले, कम से कम 120 साल पहले, प्रभुपाद जी दुखी होकर ये बात, अप्राकृत दुख, हरि कथा कीर्तन का दुर्भिक्ष हुआ है, हरि कथा कीर्तन का दुर्भिक्ष हुआ है, सोचो क्या बात है। तब की जमाने में सारे प्रभुपाद प्रभुपाद के जनों का हरि कथा का कितना सुंदर व्यवस्था, फिर भी प्रभुपाद कह रहे हैं कि हरि कथा का दुर्भिक्ष है, घर घर में मठ मठ में हरि कथा अगर नहीं है, वो मठ तो मठ नहीं रहे। आओ ढूंढो पूरा एक एक मंदिर देखो, शमशान जैसा। हाँ, कोई अगर हरि कथा बोलने वाले आए, उसको लात मार भगा दो इसको, ऐसा बोल रहा है। सौभाग्य की बात है, ये सब सेवा मिला। महाप्रभु जी कहते हैं कि पद्युन्न मिश्र को पुरुषोत्तम धाम में, जिसका हरि कथा में रुचि है, वो सबसे बड़ा बुद्धि, सबसे बड़ा सौभाग्यवान है। महाप्रभु कह रहे, जार हरिकथा रुचि से महाभाग्यवान, तुम्हार हरिकथा रुचि तुम्हें महाभाग्यवान,
जार हरि कथा रुचि से महाभगवान महाप्रभु कह रहे हैं, तुम्हारा हरि कथा में रुचि है इतना अहो भाग्यो, और जिसका भी हरि कथा में रुचि है वो सबसे बड़ा भाग्यवान है। भजन का रास्ते में जाना चाहो तो यही एक अनमोल चीज है। जितना भी कष्टदायक हो, कठोर सिद्धांत तो मानना बहुत मुश्किल है, मैं जानता हूं बहुत कष्ट है, लेकिन हरि कथा सुनने के बाद श्रेष्ठ आदमी जो साधु महात्मा का आचरण जिंदगी में पालन करो तो फल मिलेगी, नहीं तो फल कहां से। इसीलिए काल चर्चा हो रहा था, जत जत आचरति श्रेष्ठ तत्तदेवे तरो जन सजत प्रमाणम कुरुते लोकहस तदनुवर्तते। भगवान ये तर्क उठाए जगति देखे कह रहे हैं कि देखो आप श्रेष्ठ आदमी हो, चारों ओर आपका नाम जस फैला हुआ है, आप युद्ध क्षेत्र में मौजूद हो, और इतना ही नहीं ये है धर्म युद्ध है, आप क्षत्रिय हो, आपका कर्तव्य है युद्ध करना, और आपका आदर्श हो अगर आप स्थापन करके चलोगे तो तमाम दुनिया आपका भी हैं गुणगान करे और आपका भी रास्ते पे चलने का कोशिश करे। शांति पर्व में पितामह भीष्म युधिष्ठिर को बोले थे ये लोक संघ कारक सूक्ष्म धर्मार्थ निरत साधु दिगर उत्तम चरित्र विधातारी विधान। ये जो भीष्म पितामह कह रहे हैं ये लोक संग्रहार्थ ये सूक्ष्म धर्मार्थ निरत, ये लोग का कोई काम नहीं, कुछ काम कोई ड्यूटी नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी ये जो लोक संग लोगों को सही रास्ता मार्ग सही मार्ग दिखाने के लिए अपने आप आचरण करके सूक्ष्म धर्मार्थ निरत, ये जो ऐसा मापिक बड़े बड़े साधु महात्मा हैं जैसे जनक महाराज है, ये है प्रहलाद महाराज है, धूप महाराज है, सारे जो है अम्बरीश महाराज, पृथु महाराज, युधिष्ठिर महाराज, ये साधुगणों का जो उत्तम चरित्र है, ये जो एकदम रेस्ट्रिक्टेड रूल्स एंड रेगुलेशन एकदम बाल बाल विचार करके वो लोग कर रहे हैं सारे काम, कोई लेना देना नहीं है फिर भी कर रहा है, क्योंकि जगत का हितकारक है इसीलिए कर रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज को भीष्म पितामह जी कह रहे हैं कि अगर ऐसा चरित्र तुम्हारा सामने रहे, समाज संसार का सामने रहे, तो अहो भाग्य, ये तो बड़ा सौभाग्य की बात है, ये विधाता का एक विधान है, ये विधाता का एक उत्तम विधान, अगर साधु नहीं रहे तो समाज संसार तो हो गया शमशान जैसा, कौन मार्ग दिखाएगा, एक तो यही सहारा है उत्तम चरित्र, ये जो साधुगणों का उत्तम चरित्र है आदर्श है, ये तो विधाता के अनमोल दान है, अगर साधु नहीं है तो सब खाली खाली है, सुना सुना जैसा है। देखो एक एक करके भोपाल जी का गण चला गया, धीरे 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 सब चला गया, अंतिम में रह गया सब बावन गुस्सी महाराज जी, ये तो भोपाल जी से हरिनाम लिए थे फिर भी कभी अभिमान नहीं थे बिल्कुल, जैसे मैं कुछ भी नहीं हूं ऐसा विचार से, कोई अगर सेवक उठपटांग करते थे अभिमान प्रकाश करते थे, बावन महाराज खूब शांति करके उसको समझाते थे, आप एक काम करो इधर चले जाओ, ये करो समझा, ये समझना नहीं कि मैं तुमको भगा दिया, तुम्हारा अभी उम्र हो जाओ, ऐसा करके मीठा बोली से असंतोष बोल के कोई चीज ही नहीं देखा है महाजनों का अंदर, क्योंकि साधु का अंदर में कोई असंतोष होनी नहीं चाहिए, नहीं है,
असंतोष जो चीज है वो असाधु का अंदर है, साधु तो हर वक्त संतुष्ट है, सदा सर्वदा संतुष्ट है, जब भी सब कोई को शांति दिला सकता है। अपना अंदर में शांति नहीं है, खुद खुद भूखा प्यास से मर रहा है और कामना वासना से भरपूर है, अचल आशीर्वाद कर दिया, वो तो ड्रामा है, कुछ नहीं है, तेरा आशीर्वाद से क्या आता जाता। तो पितामह विश्व जी कह रहे हैं कि ऐसा मापी का संत महात्मा रहे, ये समाज संघ संसार का मंगल के लिए ही विधि का विधान है। अगर कोई कहे कि वर्तमान अवस्था जो है इसमें एक भी साधु नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं, कोई साधु है नहीं है, अगर ऐसा कहे तो वो जरूर मायावादी है। ये समझा नहीं कि क्या कहने के लिए खड़ा हो गया, क्या कहने के लिए तैयार हो गया कि जगन्नाथ जो अनंत ब्रह्मांड का मालिक है, क्या जगन्नाथ का अंदर इतना पावर नहीं है कि दुनिया में एक साधु को मौजूद रखे, दुनिया का आदर्श रखे? ऐसा दुर्बल है, ऐसा वीक है जगन्नाथ, ऐसा निबल है जगन्नाथ, मायावादी का जगन्नाथ है? एक साधु रखने का हिम्मत नहीं है ठाकुर जी का, जो हमारा संप्रदाय परंपरा को चलाने के लिए आदर्श स्थापन करे? अरे हंगामा तो होगा ही, जहां आदर्श हो तहां हंगामा जरूर है। पोपा जी कहते हैं उन्नत तो व्यक्ति सर्वदा आक्रांत तो हो बंगाली में। पोपा जी कहते थे जो उन्नत तो आदर्श वाले हैं वो आम आदमी का आक्रमण का पात्र हो जाता है, क्योंकि वो बोलता है ना सच्चा। पोपा जी कहते हैं उन्नत तो व्यक्ति, उन्नत तो व्यक्ति समाज सर्वदा आक्रांत तो हन। इसका कहने का मतलब है, तात्पर्य ये है, समाज में जो साधु संत है निस्वार्थ अपना जीवन जिंदगी को बलिदान दे दिया है, सेक्रीफाइस किया है नाम संकीर्तन यज्ञ में, इन लोगों का तो कोई डर नहीं, निडर होकर अपराजित जगत का बात ये कहते रहते हैं, संप्रदाय का नुकसान तो सोचते हैं कि हमारा नुकसान, बड़ा दुखी हो जाते हैं और कहते रहते हैं प्रभुपाद भक्तिमय ठाकुर केशव ये सब का जो वाणी है आचरण है इसमें ये लोग का कष्ट हो जाता जो नेगेटिव मार्ग में चलने वाले हैं और आक्रमण करने के लिए वे उठपटांग शुरू कर देते। पापा जी कहते उन्नत व्यक्ति सर्वदा आक्रमण का सम्मुखीन हो जाते हैं। आप अगर माया का सा एडजस्टमेंट कर लो कोई कुछ नहीं करे, गले लगाएगा, गले लगाएगा, कुछ नहीं कहेगा, गले लगाएगा, बैठाएगा प्यार से, ऐसा करके पितामह भिष्य कह रहे हैं। तो मतलब कोई अगर कहे कोई जगत में एक भी साधु नहीं बचा, पोपा चला गया गुरुवर्ग, ये मायावादी जरूर है, क्योंकि इसको सोचनी चाहिए क्या कह रहे हैं, क्या बकवास, क्या ठाकुर जी का कि इतना हिम्मत नहीं है कि जगत में एक आदर्शवान साधु को रखे, तमाम जगत को थोड़ा मार्ग दिखाए, ऐसा निबल है मेरा जगन्नाथ, ये उचित नहीं है ऐसा बातें बोल है। हो सके कि मैं दुर्बल हूं, मेरा पास क्षमता नहीं है, मैं हर चुका हूं आचार्य का भूमिका में, कुछ भी भूमिका में मैं हार चुका हूं, हर हालत में मैं पराजित है, कावर्ड है, पराजित है, ये हो सके, लेकिन साधु नहीं है। और अगर है तो उसका साथ कंपटीशन जोड़ो, साबित करो कि बदमाश है, ये उचित नहीं, इसमें फल नहीं मिलेगी। अच्छा, बहुत भयंकर परिणति जो है, रिजल्ट जो है बहुत भयंकर, वो आने जा रहा, आगे आ ही गया, इतना भयंकर सिचुएशन। तो 22 उसका नेक्स्ट श्लोक में ठाकुर जी ने बताए ये देखो अर्जुन, 9 में पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानो व्याप्तम नामो व्याप्तम
अवाप्तव्यम वर्तम एव च कर्मणि। हे पार्थो न मे पार्थ अस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन। हे पार्थो ये त्रिजगत में मेरा कोई कर्तव्य है बचा? मेरा कर्तव्य बचा है क्या? न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोके चु किंचन। ये त्रिजगत में मेरा कर्तव्य बोल के कोई शेष नहीं रहा, कुछ नहीं है। और नाना वचन नानो बाप्तम अबाप्तव्यम बत्म एव चो कर्मणि। मेरा अप्राप्त कुछ चीज शेष नहीं है, कुछ प्राप्ति नहीं हुआ है मेरा, ऐसा कोई नहीं। अप्राप्त हमारा कुछ, हमारा क्षमता का बाहर नहीं है, सब कुछ मेरा। अप्राप्त कुछ नहीं है, ऐसा नहीं कि हम प्राप्त नहीं कर सके, ऐसा कुछ नहीं है त्रिजगत में अप्राप्त। और प्राप्ति होने का भी कुछ चीज नहीं है, नहीं मिलने वाला, मिलने वाला सभी मेरा ही है। फिर भी मैं कर्तव्य कर्मों का अनुष्ठान में व्यस्त हूं, लगा हूं। परसों ये जानकारी कर लो कि मेरा कभी कोई कर्तव्य है नहीं त्रिजगत में, फिर भी मैं कर रहा हूं। क्योंकि अगर हम ना करें बड़ा मुसीबत मुसीबत आन पड़ेगा, इसीलिए मैं कर रहा हूं कि समाज संसार सही रास्ता में चले। हम अगर करते चले तो सही रास्ता में आम आदमी ये भी देखे मार्ग। इसमें निष्काम कर्मों का जो महिमा है इसका बारे में और खुलासा हुआ। ये ठाकुर जी स्वयं कर रहे हैं कि मेरा कोई कर्तव्य नहीं है, वे भी मैं कर रहा हूं। तो कर्मों का, कर्म करने का तरीका से, सही तरीका से कर्म करने का जो विधान ठाकुर जी ने दिखाया, ये देखो मैं भी कर रहा हूं। ये लोक संग्रहार्थ, लोक संग्रह मतलब है लोगों का दिखाना कि आम आदमी अपना अधिकार नहीं है तो उठपटांग चलना शुरू कर दे। लोक संग मतलब लोक को रक्षा, सृष्टि रक्षा, भगवान का जो कर्म चक्र चल रहा है, जगत चक्र चल रहा है, इसमें हम सभी का योगदान होनी चाहिए। जैसे जनक राज भी कर रहे हैं, कोई करने का कुछ नहीं है फिर भी कर रहे हैं, क्योंकि आम आदमी श्रेष्ठ आदमी का अनुवर्तन करते रहते हैं, जरूरी है, ये बिल्कुल जरूरी है। श्रीमद् भागवत जी महापुराण में भी देखा जाए, षष्ठ स्कंध में अजामिल का उपाख्यान, उधर विष्णु दूतों का कहना है। श्रीमद् भागवत जी महापुराण में विष्णु दूतों का कहना है, जत जत आचरति श्रेय, जत जत आचरति श्रेयानी तर तत्त दिहाते इहाते सजत प्रमाणम कुरुते लोकः तदनुवर्तते। मतलब जत जत आचरति श्रेयानी तर तत्त तदीहते सजत प्रमाणम कुरुते लोकः तदनुवर्तते। एक ही बात है, भागवत में और जगह भी है, पंचम स्कंध में भी, जज्जत छिर्षानी अचरितम तत्तद अनुवर्तते लोकः। जज्जत छिर्षान्याचरितम, अतः श्रेष्ठ व्यक्ति शीर्ष, जज्जत छिर्षान्याचरितम
तत्तद अनुवर्तते लोकः। एक ही बात श्रीमद भागवत जी में परम में बहुत सारे डॉक्यूमेंट है, तमाम प्रमाण के आधार पर ये चल रहा है ये चर्चा। भागवत का दूसरा स्कंद में आठवा चैप्टर में ये अपरे चानु तिष्ठन्ति पूर्वेषां पूर्वजै कृतम्। अपरे दूसरे सारे आदमी अपरे चा अनुतिष्ठन्ति, अपरे भी दूसरे लोग भी अपरे चानुतिष्ठन्ति पूर्वेषां पूर्वजै कृतम्। दूसरे आदमी पूर्वजो जो करके गया, ऐसे तो शास्त्रों में विधान है ही है, महायनो येनो गतो सपंथा, इस भागवत में ही महाभारत जी महाप्राण महाभारत जी में है ही है। महाभारत जी तमाम प्रमाण का आधार पर यही साबित होता है कि जब भी जरूरी नहीं है फिर भी लोग हमारा ठाकुर जी का जगत चक्र चलाने के लिए सहयोग होनी चाहिए। इसीलिए और ठाकुर जी फाइनली ये भी बताएं कि देखो इतनी जगत में मेरा कोई कर्तव्य कर्म नहीं बचा, कुछ कुछ नहीं है, मैं स्वयं ईश्वर हूँ परमेश्वर, फिर भी मैं कर्मानुष्ठान में व्याप्त हूँ। वो इसलिए कि तमाम आदमी हमको फॉलो करें। नौमे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानो व्याप्तम अवाप्तव्यम वत्म एव च कर्मणि। फिर उसका बाद ठाकुर जी विचार बता रहे हैं कि अर्जुन अगर हम कर्म ना करे यदि ही अहम न वर्तेयम जातु कर्मणि अतन्द्रितः मामो वत्मानु वत्मन्ते मनुष्यः पार्थो सर्वसा। यदि ही अहम अगर हम कर्म करना छोड़ दिया तो, यदि ही अहम न वर्तेयम यातु कर्मणि अतन्द्रितः मामो वत्मानु वर्तन्ते मनुष्यः पार्थो सर्वसा। पूरा सावधानी का साथ अतंद्रता मतलब विद फुल प्रिकॉशन सो दैट माय एक्टिविटी कैन नॉट ब्रिंग ए बैड रिजल्ट इन द सोशल लाइफ। समाज संसार में मेरा आचरण कोई उल्टा फल ला नहीं पाए। अतंद्रता वेरी केयरफुली विद फुल कॉन्शियसनेस अतंद्रता होके हम अगर हम अतंद्रित अतंद्रित सन अतंद्रित सन अतंद्रित सन अनलस अगर हम ये यदि ही अहम न वर्तेयम यातु कर्मणि अतंद्रित अगर हम अलस आलसी होकर ये जो मार्ग है जगत चक्र चल रहा है इसमें मैं इस कर्म योगों में योगदान ना मेरा अगर योगदान ना है कुछ हम सब छोड़ दे। यदि ही अहम न वर्तेयम यातु कर्मणि अतंद्रितः हैं तो क्या तो मुश्किल। अगर हम ना काम कर्म करे हैं अनालस होके अगर हम काम ना करे सब छोड़ दे आलसीपन दिखाए आलसी होके सब छोड़ दे तो साधारण मानव जो है सर्वतो भावेन हमारा ही पद का अनुकरण में लग जाएगा वो करने में लग जाएगा। यदि ही अहम न वर्तेयम जातु कर्मणि अतंद्रितः ममो वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्यः पार्थो सर्वसा। ये लोग मेरा ही पीछा करना शुरू कर दे और समाज संसार सारे सत्यानाश का ओर बढ़ेगा क्योंकि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। मैंने काम छोड़ दिया करना
विश्व पिता का विश्व, ये जो संसार चल रहा है, जगत चक्र चल रहा है, सृष्टि का चक्र चल रहा है, कर्म चक्र चल रहा है, इसमें अगर हमारा कोई योगदान नहीं है, हम आलसी होकर अगर छोड़ दिया तो हो गया। मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्यः पार्थो सर्वसा, ये लोग मेरा ही पीछे करना शुरू कर देगा। और ये समाज संसार का जो नुकसान होगा इसके लिए मैं जिम्मेदारी हूं। ठाकुर जी बार बार ये कह रहे क्यों, बड़े सृष्टि समाज संसार का तो ये तो पिता तो है ही है, पिता तो है ही है, जगत पिता, जगत पिता तो है ही है। ममो जनिर महद ब्रह्म अहम बीज प्रदे पिता, भगवान का स्वयं, ममो जनिर महद ब्रह्म अहम बीज प्रदे पिता, सचमुच है। वृंदावन दास ठाकुर जी महाराज भी लिखे हैं, जगतेर पिता कृष्णो जैन भजे बाप, जगतेर पिता कृष्ण जैन भजे बाप, पितृदही पातकेर जन्मे जन्मे ताप, वृंदावन दास ठाकुर महाशय लिखा है, वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत। जगतेर पिता कृष्ण जैन भजे बाप, पितृदही पातकेर जन्मे जन्मे ताप। अगर वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं कि जगत का पिता तो है ही है, और कृष्ण का भजन नहीं किया जाए, कृष्ण मतलब विष्णु तत्व, सब सब आदमी कृष्ण भजन में ही लग जाए, ऐसा कोई बात नहीं, नारायण भजन करे, कोई कूर्म भजन करे, निशिंग भजन करे, राम का भजन करे, मतलब कृष्ण बोलने का मतलब है कृष्ण का अंदर सारे अवतार का गिनती हो जाता है, इसका अंदर में सभी है। किसी के आदमी संप्रदाय दुखी हो जाता, आप लोग बड़ा ऐसा बात करते हो कि कृष्ण भजन ही करना, क्या हम राम भजन के चलेगा नहीं, तो ऐसा क्यों आपका सिद्धांत तो उत्पाटंग है, नहीं उत्पाटंग नहीं है। कृष्ण भजन मतलब कृष्ण भजन ऐसे ही बोल दिया कि कृष्ण का अंदर जिसना तारी देवता का गिनती तो हो ही जाए, ये तो इसका अंदर ही है, ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं है, उल्टा सीधा बोलते हैं, अरे राम तो पहले आया, राम आगे है, कृष्ण तो बाद में आया, ये सब बोलते रहते हैं, इसलिए हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे, ये ठीक है, अरे महाप्रभु आके उल्टा करा दी कर दिया, ऐसा छागल का माँ भी बोलते रहते, चलता है चारों ओर, है चारों ओर ऐसा ही चलता है, क्या करें। बड़ा सौभाग्य से शुद्ध भक्ति का विचार बनता है हृदय में, ओह बाप रे बाप। और वृंदावन दास ठाकुर महाशय पिता बोल दिया, इसका मतलब नहीं कि हम रागानु का वजन करने जाए, रूपानु का हम कृष्ण के पिता बोल के पुकारे, ऐसा नहीं है, ऐसा करे तो हंगामा हो जाएगी, कृष्ण तो पिता ही है ओवरऑल दृष्टि से, लेकिन कृष्ण और राधा रानी अगर पिता माता समझा जाए तो रागानु का भजन में भजन पैसे पहले पानी फेंक दिया और तो बुझ जाए, सब खुलासा करके बोलना है ना, उल्टा तो बोला था महाराज तो पिता तो है ही है ओवरऑल दृष्टि में विचार किया जाए तो है, लेकिन हमारा गौरी भजन में ये दर्शन नहीं है, कृष्ण पिता और राधा रानी माता उनके जो लीला है गुप्त लीला हम सुने, अरे कैसा बात है, ये नहीं है, ये विचार नहीं है। जो भी है इधर भगवान कह रहे हैं कि नेक्स्ट श्लोक में उत्सीदेशुरी में लोका न कुर्यात कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्ता स्वाम उपहन्याम इमाम प्रजा, उत्सीदेशुरी में लोका न कुर्यात कर्म चेदहम चेत यदि, यदि अगर हम कर्म करना छोड़ दे तो ये उत्सीदेशुरी में लोका उत्सन्न में जानुम में जाएगा, उत्सीदेशुरी में लोका न कुर्याम कर्म चेद अहम, क्यों भले ऐसा ही है ठाकुर जी जो
ये जो श्रेष्ठ आदमी जो करे तो बाकी तो वही करेगा, तो मैं अगर करना चाहूँ तो तू ये समाज संकर का सत्यनाश के लिए मैं जुमा हूँ, जुम्मेदार बन जाए। उत्सीदे सूरी में लोका न कुरियाम कर्मचेद अहम शंकर सच कर्ता स्वम उपहन्याम इमाम प्रजा। जितना सारी प्रजा है, समाज संसार है, इन समाज संसार में वर्ण संकर आदि जितना सारे हानिकारक विषय है, हानिकारक विषय है, सारे इसमें चलना शुरू कर देगा। और इसके लिए मैं जुमेदारू बन के रह जाएंगे। उपहन्याम इमाम प्रजा, मैं इसका कारण बन जाएंगे, समाज संसार का सत्यनाश का कारण, और यू नो ये समाज संसार सत्यनाश के लिए मैं ही कारण बन जाओ। ऐसा करके भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाने का प्रयत्न की, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ आदर्शवान व्यक्ति जो है, आदर्शवान जो व्यक्ति है, शास्त्रोक्त कार्य जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, वो श्रेष्ठ व्यक्ति उसी का ही आचरण करते हैं। और नीचा खानदान, नीचा व्यक्ति जो है शास्त्रों का अनुवर्तन कदापि नहीं करते। और शास्त्र में ये विचार पहले ही कर दिया गया गीता में, तस्मात शास्त्र प्रमाणम ते कर्जा कर्जो व्यवस्थित। श्रेष्ठ व्यक्ति का कीमत इसलिए है, वे लोग शास्त्रों का आदेश का अनुसरण करके अपना जीवन जिंदगी को चलाते हैं, इसीलिए इसका कीमत है। तस्मात शास्त्र प्रमाणं ते कर्जा कर्जो व्यवस्थित हो, शास्त्रोक्त कार्यो करना चाहिए, श्रेष्ठ आदमी ही करता है। ठाकुर जी कहते हैं हम अगर सर्वश्रेष्ठ भगवान है, भगवान है ना, तमाम दुनिया का सोर्स है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम, ये ठाकुर जी हम अगर ये शास्त्रोक्त कर्म करना छोड़ दे तो ये त्रिजगत जो है विपर्जय बन जाए, अव्यवस्था फैल जाएगा, सारा जगत सत्यनाश के रास्ते में चल पड़ेंगे। तमाम मर्यादा का उल्लंघन हो जाएगी, मर्यादा का उल्लंघन हो जाएगी तमाम दुनिया ऐसा। और ऐसा अगर मर्यादा उल्लंघन हो जाए, कोई किसी का मर्यादा देने में असमर्थ है, जैसे महाप्रभु जी ने बताए मर्यादा लंघन मुई सुहित न पारी, महाप्रभु खुद बताए नीलाचल लीला में, मर्यादा लंघन मुही सहित न पारी, मर्यादा रक्षण है साधुर्भूषण, मर्यादा कोई अगर लंघन करे तो मैं सह नहीं सकता। और मर्यादा स्थापन साधु समाज का एक बड़ा गुणावली है, बड़ा गुण, मर्यादा रक्षण करना ये हर हालत में उचित है, ये अगर नहीं करे तो समाज संसार भ्रष्ट हो जाए। बड़े बड़े साधु महात्मा को छोटे छोटे काल का ये जो है असुर लोग अपमान करते रहते हैं, इतना अभिमान है। और समाज संसार में अगर श्रेष्ठ हो, बुजुर्गों का कोई सम्मान ना दिया जाए, श्रेष्ठ वगैरह विद्वान व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति, और जिस समाज में स्त्री संपद ये भी संपद है, युवा संपद, स्त्री संपद, स्त्रियों का जिस समाज में अपमान होते रहते हैं, इसमें स्त्री समाज का अपमान ही होते रहते हैं, बिल्कुल हर वक्त कोई सम्मान नहीं है, इज्जत नहीं, भोगने का समान सोचे, जिस समाज में पंडितों का कोई आदर है ही नहीं, अपमान किया जाए,
जिस समाज में साधु का जो अपराकृत गुणावली उसका कोई उद्घोष नहीं है, मैंने कोई बोलता नहीं, हाँ बेकार। इस समाज हर हालत में 100% ध्वंसों का ओर बढ़ रहा है, ये ध्वंसों का ओर बढ़ रहा है, इतना आश्चर्य है। नाम तो नहीं बोलेगा, उल्टे गाली देगा, हिंसा के द्वारा। जिस समाज में स्त्रियों का सम्मान नहीं है, जिस समाज में विद्वानों का सम्मान नहीं है, पंडितों का, ब्राह्मण वैष्णवों का, इस समाज 100% लिख लो पेपर में 100% ध्वंसों का ओर चल रहा है, ये हो ही नहीं सकता। और ये मर्यादा अगर लंघन हो गया तो, मर्यादा लंघन हो गया, मर्यादा तो गया तो सारे समाज संसार जो अव्यवस्था फैलेगा, अव्यवस्था फैलेगा तो जोर जबरदस्ती कोई शूद्र आके ब्राह्मण का लड़की को उठा के ले जाए, बोला हम इसको शादी करें। चप्पल बिक्री करने वाले वो चामार है, वो ब्राह्मणों का लड़की को लेके चला जाए, बोला हम शादी करेंगे। ऐसा करके समाज संसार में मर्यादा पूरा उल्लंघन करके तमाम अव्यवस्था फैलेगा, कोई देखने वाला कोई नहीं रहेगा, कोई बचे कौन, किसको सहन, सब राजा है। और ये जो है जारच मतलब संकर उत्पन्न हो, संकर उत्पन्न होना बड़ा दुखदायक है। संकर उत्पन्न होना बहुत दुखदायक है। आज जमाने में प्योर हेरिडिटिकल फैक्टर को संभाल के रखना बहुत मुश्किल है, कोई गारंटी दे नहीं सकता। ऐसे तो विचार है 7 पीढ़ी अपना ब्राह्मण का विचार बना के चल रहा है सही ढंग से, तो उसको ब्राह्मण खानदान बोला जाए। नहीं तो ये कलिकल में ऐसा हो गया, ठीक है चलो कम से कम 3-4 खानदान, ये भी नहीं बचा, एक खानदान वो भी नहीं बचा। ऐसा करके तमाम समाज संसार जो है ये हो गया छुट्टी, वर्ण संकर कारक है। यहां तक भी गीता में वर्ण संकर का बारे में बड़ा आपत्ति उठाया, अर्जुन भी दिखाया ठाकुर जी के सामने में, वर्ण संकर बहुत खराब है, बहुत खराब, इतना खराब, इतना खराब कि आज समाज देख लो क्या हालत है। कोई छाती में हाथ लगा कर छाती ठोक के भूल नहीं सकता कि हम ब्राह्मण खानदान का है। अगर ब्राह्मण खानदान का है तो पहला बात तो ये बोलेगा ही नहीं ब्राह्मण खानदान का, इसका काम उसका उठना बैठना आचरण कह देगा कि ब्राह्मण का, कोई आचरण नहीं। समाज में पूरा अव्यवस्था फैलेगा और वर्ण संकर हो जाएगा, कोई किसी का ठिकाना नहीं। ब्राह्मण बाटा दुकान में जाकर नौकरी लिया और चप्पल दिखाने का, ये ले अपना कितना साइज है दिखाओ, और पैर में हाथ देके ब्राह्मण का काम। शूद्र क्या हुआ, शूद्र बड़ा मंदिर में जोर जबरदस्ती घुस गया, बोला हमारा दीक्षा हो गया। महाराज परंपरा के अनुसार जो खून है वो खून का जो दूषण है ये चेंज करना बहुत मुश्किल है। जोर जबस में मट में लाओ और उसको बस अब तू कह जा वो रह जा इधर, ये सब काम संभाल ले, बस हो गया। खून तो वही है, खून का शुद्धि नहीं हो पाए। वास्तविक हरिभजन होए हरिनाम होए तब ना, वो तो कुछ नहीं है, ऐसे लेवर जैसा आ गया बस शुरू कर दिया। जितना भी नीचा खानदान का हो हरिभजन में सब कोई का अधिकार है ही है, इसका लिए कोई गुंजाइश है नहीं। जैसे माधव गोस्वामी महाराज जी तमाम शिष्य लोग कहने शुरू कर दिया, एक आसाम का एक लड़का है बगीचे में बहुत काम कर रहा है, बहुत खेत खमारी में बहुत काम कर रहा है, लेकिन एक दफे अगर गुस्सा हो गया तो हो गया, वो एकदम टाइगर का माफिक हिंगस्त्र बन जाए। अब माधव गोस्वामी बोले ठीक है ये बेचारी भोजन करे, उसको भी सेवा दिया गया,
चलो ये बागान बागान बगीचे तुम संभाल लो, और किसी भी हाल से किसी का साथ इसका थोड़ा उठपटांग हो गया, बस कहाँ जाए। एक कटारी लिया और बगीचे में जाके केले पेड़ को खाच खाच काट रहा है, जैसे कि कोई आदमी पड़े को उसके भी काट के फेंक दे, इतना गुस्सा हुआ। तमाम कलक केले का पेड़ खचा खच काट रहा है, इतना गुस्सा। बाद में एकदम कटारी को फेंक के फूस फूस करना शुरू कर दिया। माधव गोस्वामी महाराज के बाद अक्सर इसका बारे में बदनामी आता है, महाराज आप इसको ऐसे क्यों, इसको कुछ नहीं बोलते हो, भगा दो इसको मठ से। माधव गोस्वामी देखो ये तो अपना हिसाब से काम कर रहा है सेवा, तुम इसका पीछे क्यों जा रहे हो, इसका भाव तो उसका अंदर में काम करो तो है ही है, तुम्हारा अंदर में भी है, थोड़ा कम और बेसी तो ये तो अगर सेवा कर रहे तो आज नहीं तो काल इसका चला जाएगा। अपना खानदान का तो एक पीढ़ी का दोस्त तो है ही है, हेरिडिकल दोस्त, ये किस खानदान से आए हैं देखो। कोई भी आदमी आए कृष्ण भजन के लिए कोई रोक टोक नहीं है, फिर भी इसमें एक विचार बनता है, अगर वास्तव गुरु वैष्णव का कृपा मिला तो किसी भी खानदान का हो ये कोई असर नहीं पड़ता, कृपा जरूरी है, इसका तो पूरा कृपा मिला नहीं। अंतिम में जब हर आदमी ऐसा बोलना शुरू कर दिए, महाराज उसको बुलाए, बुला के बोले बेटा तुम एक काम करो, तुम अपना घर चले जाओ, उपाय नहीं है, मेरा बोलने का इच्छा ही नहीं, मेरा बिल्कुल इच्छा नहीं कि तुम घर चले जाओ, लेकिन तुम्हारा घर जाना जरूरी है, नहीं जाओ तो कुछ भी हो सकता कभी भी। तो ये भक्त लोग बोल रहे हैं ठीक है आप चले जाओ, महाराज इसको जवाब दे दिया। जब ये थोड़ा बहुत गया इधर से उठकर, महाराज बच्चा का मां भी रोना शुरू कर दिया। ये लोग महापुरुष लोगों का कितना करुणा है, एक ब्रह्मचारी बिना बोले चागदा मंदिर से कलकत्ता मठ में आ गया। महाराज जी हरि कथा का बात दे गए, तुम्हें कथा थे कहां से आया, हम चागदा से आया, क्यों आया, किसने भेजा तुमको, ना ऐसे ही चले आया, ऐसे ही चले आया, चिट्ठी है तुम्हारे पास, इंचार्ज तुमको भेजा, नहीं भेजा, जाओ चले जाओ अभी चले जाओ चागदा, 10 बज गया जाड़े का मरसूम है, जाओ चले जाओ मंदिर। वो चला गया और जब ही चला गया महाराज रोना शुरू कर दिया, रात 10 बज गया है, साढ़े 10 बच्चा कहाँ जाएगा, बिना खाए बिना सोहाय हाय हाय। ये महापुरुष लोगों का हृदय क्या है बाहर से पता नहीं चलता, फिर इसका ये जो शास्त्रों का वचन है कड़वा बात बोलते ही बाहर से नजर आता, अंतर जो है वो समझ में नहीं आता। तो ये जो वर्ण शंकर का बात है, वर्ण शंकर हो गया, देखो कैसा चल रहा है, फॉरेनर लेडी को मैरिज कर लिया, मठ में आना तो इसीलिए क्योंकि हमारा सुजोग बन जाए कि फॉरेन लेडी को शादी करे, विदेश जाए, पैसा वाती आए, शादी क्या ठाकुर जी के लिए कर रहे हैं, ठाकुर जी को भजन के लिए, कोई बता सकता है, आओ निशिंग शिला को स्पर्श करके बोलो हाथ में कोढ़ बीमार हो जाएगा, बोलो भजन करने के लिए आए हो, अरे घर में नौकरी नहीं मिला कुछ नहीं मिला, चलो मठ में चले जाए। तो ऐसा अगर आते रहेगा तो ऐसे ही कैसे सुधरेगा, कैसे सुधरेगा समाज है? जैसे आग जल रहा है उसमें तुम अब ज्यादा करके इनफ्लेमेबल ऑब्जेक्ट दे रहे हो, आग जल रहा है उसमें घृताहुति दे रहे हो, चलो और आग को जलाओ जोर से, बुझाए कैसे। तो ऐसा है कि अगर आज समाज में अव्यवस्था फैलेगा, अव्यवस्था फैलने से कोई किसी का मर्यादा रक्षण नहीं करे, मर्यादा रखिले तुष्ट है मोर मौन, महाप्रभु कह दिया मर्यादा का पालन करता है कि मेरा अंतर मेरा हृदय संतुष्ट बनता है, मैं खुशी हो जाता हूं। सिर्फ देखो जगदानंद पंडित कौन है, ये भगवान का बचपन का दोस्त है जगदानंद पंडित, ये कोई साधारण नहीं है, जगदानंद पंडित भगवान का बचपन का दोस्त है, एक साथ खेलते थे, मार पीट करते थे
और ये जगदानंद पंडित, ये जगदानंद पंडित को सनातन गोसाई ने पूछा, ये मेरा शरीर में ऐसा खुजली हुआ, खून बहता है, प्रभु आके जोर जबरदस्ती मिलको मेरे साथ मिलता है और आलिंगन करता है, अब मेरा जता दूषित खून है सब प्रभु का शरीर में लगा, हम क्या करें, कहाँ जाए, कौन सी नरक में हम जाए, अब क्या करें बोलो जगदानंदो, क्या करना चाहिए? बोले ऐसा करो, रथ यात्रा उत्सव आ ही रहा है, सामने ही है, और रथ यात्रा मना के तुम सीधा चले जाओ वृंदावन, क्योंकि तुम्हारा तुम्हारा खानदान को दिया हुआ स्थान है, प्रभु जी तुमको दिया हुआ है स्थान, तुम्हारा खाना रूप सनातन जीव सब कोई को वृंदावन में स्थान दिया है, क्यों ना चले जाओ। हाँ 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 ठीक बोला आप, आपने ठीक बोला, हम रथ यात्रा मना के फिर चले जाए जल्दी, नहीं तो जितना दिन रहे प्रभु का चरण में मेरा अपराध होते होते कहाँ पहुँच जाएंगे हम। और महाप्रभु जब आए तो बातों बातों में ये बात निकल गया, और बोले सनातन बोले जगदानंद पंडित जी ने मेरे को सलाह दिया रथ यात्रा करके मैं वृंदावन चली हूँ। है तुमको सलाह देने वाला कौन है जगदानंद, है कालीकार बटुआ जगा तुम्हारे सिखाए, काल का लड़का है बटुआ ब्राह्मण कालीकार बटुआ जगा तुमको सिखा रहा है, इतना करके गुस्सा हो गया और सनातन कहना शुरू कर दिया, प्रभु आज समझ गया तुम जगदानंद को कितना प्यार करते हो, हैं हमको इज्जत हमको सम्मान इज्जत देके भगा रहे हो और उसको गाली देके अपनाते हो। ना ना ऐसा नहीं, ऐसा नहीं बात, ऐसा नहीं बात, यह है कि तुम भी मेरे को उपदेश देते हो, तुम भी मेरे को उपदेश देने का क्षमता रखते हो और ये काल का है, ये तुमको ये मर्यादा लंघन ठीक नहीं है। देखो क्या बात है, प्रभु मर्यादा लंघन बिल्कुल सह नहीं, आप समाज में कौन सी मर्यादा अभी रह गया, देखो कुछ मर्यादा है ब्राह्मणों का वैष्णवों का सच्चा संत समाज का, कुछ मर्यादा रह गया, सारे पानी में गया। और इसी में वर्णाश्रम धर्म तो कौन नहीं पालन करेगा कि मर्यादा लंघन हो तो मर्यादा तो तोड़ी, मर्यादा तोड़ दो करके इसमें संकर वर्ण संकर का पैदा होना शुरू कर दिए, और ये वर्ण संकर होना शुरू कर दे इसके द्वारा पाप के द्वारा मलिन हो जाएगा समाज, ये वर्ण संकर बिल्कुल सख्त माना है। यहां तक भी सब्जी अनाज फल इसका भी हाइब्रिड बहुत खराब, उचित नहीं है। और ये जो धर्म सेतु का मैं पालन करता हूं, धर्म सेतु का जो पालन करता मैं हूं, असमाम जगत का अमंगल के लिए तो मैं तो जुम्मेदार बनेगा ना। ऐसा हालत बिगड़ जाएगा। ऐसा करते करते ठाकुर जी पूरा अपना ही ऊपर विचार बना के दिखा दिया, देखो मैं जो हूं मेरा कोई कर फिर भी मैं कर रहा हूं कि इसमें मर्यादा का उल्लंघन ना हो जाए, तमाम आदमी सही रास्ता पे चले। कभी कभी ये प्रश्न भी उठता है समाज में, क्योंकि कभी कभी ये जो श्रीमद् भागवत जी महापुराण में ये जो बात आता है ना, वो ईश्वरानंग बचा सत्यम तथैव अचरितम कचित तेषाम यत् स्वबचो युक्तम बुद्धिमान सत् समाचरित, ये जो है ये बात को इधर विचार करना चाहिए, क्योंकि नहीं विचार किया जाए तो उल्टा समझेगा आदमी। आप अगर कह दो कि कृष्ण भगवान ने रासलीला किया है, मैं भी रासलीला करेंगे, आज ठीक है सत कोटि गोपी लेके किया, मैं 10 गोपी लेके करे, ये बात उठाना जरूरी है, इसलिए उठाया। ये बात को उठाना जरूरी नहीं था फिर भी जरूरी है, क्योंकि नहीं उठाए तो आदमी बोलेगा ये तो श्रेष्ठ
जज जज श्रेष्ठ या श्रेष्ठ आदमी जो करेगा हम भी करेंगे। इसलिए सुखदेव गोस्वामी बड़ा चतुर है परमहंस। ईश्वरानं वचः सत्यम तथैवाचरितं कचित् तेषां यत् स्ववचो युक्तम बुद्धिमान तत्समाचरेत् नैतत्समाचरे जातु मनसापि अनिश्वरः विनस्वति आचरण मौद्रात यथा रुद्र अद्विजम विषम। बड़ा जरूरी है ये श्लोक चर्चा। तात्पर्य ये है कि शंकर भगवान जी ने सागर मंथन का जितना सारे कालकूट विष वो पी गए, तो आपको अगर कह जाए कि आप भी पी लो थोड़ा एक बूंद, बोले महाराज हम तो मर जाएंगे स्पर्श होने से ही। तो शंकर भगवान जो कर्म किया है वो आप कर नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण रासलीला किया है, ये कोई लड़कीबाजी नहीं है। ये समझने का कोशिश करो। एक महीना तक ये विचार चल रहा है रासलीला क्या है, किस ओर से देखनी चाहिए, ये सब विचार चल रहा है। इसीलिए कि तमाम आदमी उल्टा रास्ता पर चल रहे हैं। इसलिए बोला कि शंकर भगवान हलाहल विष पान किए, तुम एक बूंद भी विष पान करने के लिए तैयार नहीं बैठे। शंकर भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत को उठा के रख दिया हथेली पे, और आपको अगर 5 kg पत्थर दिया जाए महाराज 2 मिनट भप रहा नहीं जाए, तो कैसे? अगर भगवान रास किया है आप भी रास करो, लेकिन 5 kg पत्थर को 5 मिनट और 10 मिनट पकड़ के रखो, ये नहीं हो पाएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि महाजन लोग जो बात कहे उसका ही पालन करो, हर वक्त उसका आचरण देखने जाओ, कभी कभी टैली नहीं कर पाओगे, समझ नहीं पाओगे। समझा मेरा बात? वो जो बोल रहा है उपदेश कर रहा है उसको पालन करना चाहिए। अगर वो किसी स्पेशल किच कुछ कर दिया आप उसको करने मरोगे। तेजी आसम नौ दोसायो बन्हेर सर्व हुयो यथा, इस बात को याद रखना। तेजी आसम नौ दोसायो, तेजियान व्यक्ति शंकर विष पान किया, समझा मेरा बात? वशिष्ठ महाराज बहुत सारे काम किया जो साधारण आदमी करना नहीं चाहिए। विश्वामित्र मुनि ये बहुत काम, अगर आप करने जाओ तो आप एकदम खत्म, एकदम जिंदगी भर के लिए खत्म हो गया। तो ये अंतिम का विचार ये है, तेजी आसम नौ दोसायो बन्हेर सर्वभूय यथा। आंख का अंदर जितना सारे कुछ कुछ खराब वस्तु भी दे दोगे तो ये जला के रख कर देगी, आंख रख कर देगा अग्नि। अग्नि का अंदर में कुछ भी जाए, दूषित पदार्थ भी जाए तो उसी जला दे, लेकिन दूषित पदार्थ तो हमका हमारा सा स्पर्श हो जाए तो उचित नहीं है। सर्व शुद्धि अंतिम शुद्धि थर्व शुद्धि अग्नि में हो जाता है। ऐसा जो है विचार, इसमें ये समझना चाहिए कि तेजी असम नौ दोसायो, तेजियान व्यक्ति का कोई दोष नहीं लगता। जैसे आग में कुछ फेंको तो जला के खाक कर देता। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी बहुत सोच समझ के बताया, अरे ये तो बड़ा भूल रह गया। अगर आदमी कहे तो श्रेष्ठ जो जो श्रेष्ठ आदमी किया है तो हम तो वही कर रहा है, ऐसे ही बोलना तर्क उठाएगा है। जत जत आचरटी श्रेष्ठ स्तत्तदेवे तरो यन स यत प्रमाणम कुरुते लोकोस्तद अनुवर्तते, हमने कर दिया किसने किया तो। नहीं नहीं ऐसा नहीं, बात जरा सा ली है। कभी कभी ये जो भगवान है और शंकर भगवान है स्वयं भगवान कृष्ण है, ये लोग कभी कभी सृष्टि का रक्षा के लिए
प्रजा का तमाम दुनिया का हित के लिए है, जैसे ये रास लीला है ये तुम्हारा लिए उठपटंग है, लेकिन ठाकुर जी ने खुद अपना वचन भी बताए, अपना बताए खुद भगवान बताए कि अनुग्रहायु भूतानाम मानुषिम तन्माश्रितम, ये बताया ना, तो क्या झूठा बताया ठाकुर जी? सत्य संकल्प सत्य व्रत सत्य ससत्य ऋत सत्य नत्रम सत्मात्मकम त्वम शरणम प्रपन्या, क्या ये झूठा बताया ठाकुर जी? ना हमने समझा नहीं, हमारा समझने का बाहर है। अनुग्रहाय भूतानाम मानुषिम तनुमाश्रितम भजते तादृश क्रिया जा श्रुता तत्परो भवेत, ये समझ में नहीं आए। इसीलिए सुखदेव के समय अंतिम विचार बता के बता दी, विचार बता दिए कि ईश्वरानम ईश्वरानम वचः सत्यम, ईश्वर का वचन सत्य है। तथैव आचरितम कचित तेषां यत् स्ववचो युक्तम बुद्धिमान तत्समाचरित, एक उदाहरण दे दे और बढ़िया लगे, एक उदाहरण देने से और अच्छा बैठेगा इधर, बहुत सुंदर। वो ऐसा है जब अश्वत्थमा जस अश्वत्थमा भाग रहा है ब्रह्मास्त्र चला के, भगवान श्री कृष्ण करेंगे हन्नताम हन्नताम एशो, इसको मारो जाओ ये मारो इसको, ये तो आतोताई वधारहना, मारो इसको चलो। अर्जुन छलांग लगा के गए रात पकड़ के इसको, टोटी पकड़ के हैं जैसे पशु को रस्सा से बांध कर रथ के द्वारा चालित कर, जयद्रथ को भी ऐसा ले, जयद्रथ मैं दुशाला का स्वामी, दुशाला का स्वामी इतना बदमाश है, द्रौपदी जी को उठा के ले जाने की कोशिश की, एबडक्शन, हरे राम राम। अर्जुन जाके तो इसका एकदम एकदम चटनी बना के चक्कर, चटनी बनाने के मार डालेंगे, बस मारो भीम भला इसको चटनी बना दे। लेकिन द्रौपदी बोले नहीं छोड़ दो, अरे छोड़ दे क्या कह रहे हो, क्या कह रही हो, और छोड़ दो क्योंकि तुम्हारा बहन तो है विधवा बन जाएगी, दुशाला तो तुम्हारा बहन है, मारो छोड़ दो दुस। तो जयद्रथ को छोड़ दिया, आई यहां जो है पकड़ के ले आए शैतान को, ब्राह्मणाधम ब्रह्म बंधु वधारहण, कैसा चतुर है भगवान। देखो पहले तो बोला ये आतोताई वधारहण, पकड़ के ले आओ मारो इसको, अब फिर जब लाया गया तो द्रौपदी जी कह रहे हैं, कह रही है अरे किसको ले आए हो, आय हाय हाय ये गुरुपुत्र है, मुच्यताम मुच्यताम एशो नितराम गुरुम, ये तो गुरु है गुरुपुत्र है, हाय हाय इसको छोड़ दो। वैष्णव वैष्णवी का क्या विचार है, कमाल के विचार, कमाल के विचार, देखो कितना सुंदर विचार है। और पांच पांडवों का पांच पुत्रों को नाश कर, नाश गला काट दिया ये बदमाश, और द्रौपदी कह रहे थे इसको छोड़ दो इसको छोड़ दो, अरे इसको छोड़ दे, बोले हाँ इसको छोड़ दो। अर्जुन तो देखते रह गए, एक दफे कृष्ण का ओर देख रहे, एक दफे भीम का ओर, अरे मारो बेटा को हरामखोर को। और यार द्रौपदी कह रही छोड़ दो इसको, अब कहा करे कहा करे, एक दफे कृष्ण कह रहे हैं तो देखो ब्रह्म बंधु है ना, ए आतोताई वधारहण ब्रह्म बंधु नहंतव्य आतोताई वधारहण, देखो विचार करके अभी एग्जाम्पल दे दिया, भूलने का कोई काम ही नहीं। ब्रह्म बंधु नहंतव्य आतोताई वधारहण, अरे मतलब क्या हुआ, अभी कुछ देर पहले बोला पकड़ के लाओ मारो इसको, मारो मारना जरूरी है, ये आतोताई आतोताई हर हालत में, जो विषदान करते हैं, जो घर में
आग लगा देते हैं अपना पत्नी पत्नी को उठा के ले जाए, बीवी बच्चा को उठा के ले जाए हैं, और बिना कोई इन्फॉर्मेशन मारने के लिए तैयार हो जा अस्त्र एनो अस्त्र शस्त्र लेके, ये आतुताई है। अग्नि संयोग कर दे, ये आतुताई है ही है, इसको मारो। फिर अंतिम में अर्जुन देखते रह गए कृष्ण का, वो क्या कहना चाहे। बोले महाराज ब्रह्म बंधु नहंत आतोताई वधारण, ऐसा सिद्धांत तो रख दिया। अर्जुन सोचते रह गए, अरे क्या बात है, ब्रह्म बंधु नहंत अब आतोताई अवतरण, अब क्या करना चाहिए, कृष्ण क्या कहना चाहता है, कृष्ण का हार्द वस्तु हृदय में क्या क्या विचार है, सोचते रह गए। और अंतिम में विचार करके ये नतीजा, ये विचार करके फैसला किया कि इसको मर्यादावान व्यक्ति को अपना अपमान करके, अपना कपड़ा पपड़ा खोल के, मस्तक मुंडन करके, तक्र उसका माथा पे दधी दही डाल के उसको फेंक दो कमा के, जैसे रुक्मी को किया था कृष्ण, आधा पोर्शन कमा दिया, आधा पोर्शन माथे में आधा माथा कमा दिया, मुछवा भी आधा कमा दिया, दाढ़ी मोछ कमा दिया, आधा आधा छोड़ दिया। जब रुक्मिणी देवी तो माथा नीचू करके रो रही है, बलदाव जी महाराज बोले कृष्ण ये क्या तुम्हारा विचार है, ये ठीक नहीं है, तुम छोटे भाई हो मेरा, ये क्या किया है, उचित नहीं है। बलदाव जी महाराज शासन किया कृष्ण को, ये अर्ध इसको आधा मछुआ पछुआ कमा के छोड़ दी। ये जो मानी व्यक्ति है, मानी व्यक्ति का मान हरण कर लेना ही, मानी व्यक्ति का मान हरण कर लेना ही मौत की बराबर, मौत से ज्यादा है, मौत से ज्यादा है, मौत से बढ़ के। तो अंतिम में अर्जुन समझ गया कि क्या कृष्ण कहना चाहता है तो दोस्त, दोस्त का हृदय क्या है, समझ गया दोस्त का हृदय में क्या है। अंतिम में इसको ऐसा ही करके, इसका जो मस्तक में मणि है, ये बालों का साथ मणि को उखाड़ के फेंक दिया, ले लिया और उसको भग दिया। मणि हरण हो गया तो निबल हो गया, मणि का अंदर में पावर है, सांपों का मणि में पावर है, सांप का मणि में पावर, मणि चला गया तो पागल बन जाए बिल्कुल। एक जहरीली सांप का अंदर में जहर अगर निकल गया, वो कुछ खन के लिए पागल बन के बैठ जाता है, कुछ करने का नहीं। अगर दंशन कर दिया एक दो तीन बार, बस तमाम विष खत्म हो, एकदम एकदम मूर्छित का बराबर। इतना अभी ये है भगवान श्री कृष्ण क्या कहना चाहता है। अर्जुन अंतिम में समझ गया, और समझ के इसी मुताबिक अपना आचरण को दिखा दिए, अर्थात इसको बिना मारे खत्म नहीं किए, लेकिन इसका मस्तक से जो बचपन से जन्म से जो मणि बैठा हुआ है, मणि को उठाकर बाल का समत उखाड़ कर उसको धक्के मार कर निकल दे, जा बाग यहां से, बस यही उसका मौत का बराबर, मौत से भी ज्यादा है। तो ये जो है भगवान श्री कृष्ण क्या कहना चाहता है, ये समझ गया अर्जुन, इसी मुताबिक किया। लेकिन ये इसका भी कीमत भारी पड़े, ये हरामखोर दौड़ के गया और कुछ दूर जाके बैर ब्रह्मास्त्र को छोड़ना शुरू कर दिया मारने के लिए, इसको तो भगा दिया गया, जा भाग। लेकिन ये कुछ दूर जाके ब्रह्मास्त्र संधान किया और मुसीबतें खड़ा कर दी, ऐसा हालत। तो विचार करके देखा जाए तो ठीक ही है, ये भगवान कह रहे हैं कि देखो ये जो ईश्वरानं वचः श्रेष्ठ व्यक्ति जो आचरण करे वही करना चाहिए, वो तो ठीक ही है, लेकिन कभी कभी श्रेष्ठ व्यक्ति ऐसा कुछ काम करते हैं कि आम आदमी उसका कुछ नहीं समझते बिल्कुल। इसी स्थिति में क्या करनी चाहिए, मतलब इसी स्थिति में सुखदेव महाराज कह दिया
कि ईश्वरानं वचः सत्यम तथैव आचरितम कचित तेषां यत् स्ववचो युक्तम। इसका वचन में जो है वो जो कह रहा है तुम्हारा लिए ये करना चाहिए, ये करो, ये अगर नहीं करोगी नहीं करोगे तो बस। तेषां यत् स्ववचो युक्तम बुद्धिमान तत्समाचर, बुद्धिमान व्यक्ति वही आचरण करे। और कभी कभी महापुरुष ऐसे कई कई ऐसा कुछ दिखा दिया तो उसका आचरण करने जाओगे आप भी, अब मारा जाओगे। नहीं तत् समाचर जातु मनसा भी अनिश्वर बिना सत्याचरण मौद्रात यथा रुद्ध औद्विजम विषम। ये सारे कोई अगर ऐसा कर दिया भगवान श्री कृष्ण या तो भगवान शंकर, ये तो गुरु है ही है, नारद जी महाराज, ये सब अगर कभी ऐसा कुछ कर दिया कि हमारा विचार का बाहर है, वो करने जाए तो जल के खाक हो जाएंगे, मर जाएंगे, ध्वंस प्राप्त हो जाएंगे, ये करना नहीं चाहिए। तो मतलब ये है शंकर भगवान अपना बेस बना के रखे हैं ऐसा, लेकिन बाकी तो सचमुच पूछो तो वैष्णवानाम यथा शंभु, ये बात तो हर हालत में सच्चा है। प्रचेतागणों को कैसे उपदेश दिया भगवत तत्व विज्ञान, और ये लोग भजन करके भगवान को प्राप्त किया, शंकर भगवान का उपदेश से बहुत सारे तमाम दुनिया का मंगल हो सकता है। लेकिन कोई असुर लोग आए, गांजा चरस ये सब लेके चढ़ाने आए तो शंकर हंसते रहते, है तो बाहरी दृष्टि में तमगुण का बेस बना के रखे हैं, लेकिन है तो ईश्वर, ये तो वैष्णवानाम यथा शंभु, ये तो तमगुण का बेस बना के रखे, क्योंकि तमगुण का इंचार्ज है, ब्रह्मा जी भी रजगुण का इंचार्ज है, अगर वह काली देव के ब्रह्मा जी रजगुण का इंचार्ज है, हम कुछ कुछ भी नहीं है, भजन भजन क्या करे, अरे भजन कैसे करे, मैंने साक्षात भगवान ने इसको उपदेश दिया, कृष्ण इति चतुर्मुख समझ के रखना, इसका बुद्धि देने वाला जो तत्व विज्ञान कृष्ण भगवान श्री कृष्ण, इसका संस्कार द्विज संस्कार आदि जो कुछ भी है ये स्वयं भगवान ने किए हैं, और काम गायत्री भी दिए हैं, ऐसा वैसा नहीं है। तो आप कह दे हो कि ब्रह्मा कुछ भी नहीं है, बेकार है, ऐसा नहीं, ये तो लीला करके दिखाते हैं इच्छा करके। तो इसके द्वारा उत्सी देसुरी में लोका न कुरियात कर्म छेद अहम शंकरस्य च कर्ता स्वम उपहन्याम इमाहा प्रजा, इतना तक समझ के बैठे। और इसके बाद आता है जो महाज्ञानी जो व्यक्ति है, जैसे जनक महाराज आदि, ये लोग कैसे कर्म करते हैं इसका विचार किया जाए तो अच्छा। बोले बोले सत्या कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद विद्वांस तथा शक्तस चिकित्सूर लोक संग्रहम। सक्तः कर्मणि अविद्यांस यथा कुर्वन्ति भारत, जैसे अविद्वान व्यक्ति मूर्ख व्यक्ति मूर्ख जैसे आचरण करते हैं आसक्ति लेके, सक्तः कर्मण्य अविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, पूरा आसक्ति है, आसक्ति लगाकर अपना कर्म करते हैं, उसका फल भोगने के लिए एकदम तरसते रहते हैं, ये तो करेगा ही। और कुरियाद विद्वांस तथा शक्तस चिकित्सूर लोक संग्रह, जैसे आम आदमी करते रहते हैं ना, आसक्ति लेके कर्म करता है, शादी भी किया, बच्चा पैदा किया, ये सब कर करना शुरू कर दे, बहुत कर करने दो,
ये आसक्ति लेके जो करे विद्वान व्यक्ति तत्वज्ञानी व्यक्ति भी ऐसा ही करे, लेकिन सोच समझ के करे, ये विचार बना के अनासक्त होके। जैसे हमारा शिवास पंडित जी का संसार है, अद्वैत गोसाई जी का संसार है, ऐसा करके तमाम दिखाए तो विचार देखो, शिवानंद सेन का संसार है, ये भक्तिविनोद ठाकुर जी का संसार आसक्ति निरासक्त होके समाज संसार को सही मार्ग दिखाने के लिए आचरण कर रहे हैं। सो बात यह है कि कर्माशक्तिगण कर्म में आसक्ति रखने वाले जो है अज्ञानी है, ये जिस प्रकार कर्म करे बाहरी दृष्टि में हितकारी आत्मज्ञानी व्यक्ति आत्मज्ञ व्यक्ति अनासक्त होके वैसा ही उन लोगों में भी कर्म करे, लेकिन बिल्कुल अराग है, क्योंकि इसका अंदर में आसक्ति नहीं है, उसका अंदर में आसक्ति भरपूर है, आसक्तिकर है, अगर कर्म छोड़ दिया तो बेकार है, आसक्ति भरपूर है लेकिन कर्म छोड़ दिया, आसक्ति भरपूर है लेकिन संसार बनता नहीं, संसार करने में क्षमता भी नहीं है, संसार घर गृहस्थी करे इसका भी क्षमता नहीं है, ये भी मुश्किल है, दोनों तरफ से मुश्किल। तो कहने का तात्पर्य यह है जो आसक्ति बना के जो आसक्ति लेके जो आम आदमी कर्म करते रहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति ज्ञानी व्यक्ति निरासक्त होके उसी प्रकार कर्मों को करते चले कि समाज संसार सही रास्ता पे चलना शुरू कर दे, कि ऊट पटांग ना हो जाए। ऐसा करने के लिए ही जय मानो कि जैसे जनक महाराज आदि सारे इसी कारण घर गृहस्थ किए, वैष्णव जी महाराज, फिर जितना सारे महाजन हैं, देखो विचार करके ये लोग भी संसार की हैं, लेकिन ये लोगों का संसार हमारा संसार का मापिक नहीं है। गुरु वर्गों ने विचार करके दिखाया, भक्तिविनोद ठाकुर को अंतिम समय में जोर जबरस्ती भक्तिविनोद ठाकुर को अशुस्थ अवस्था लीला किए तो लेके गए आम बागान में। आम बागान मतलब भक्तिविनोद ठाकुर भजन परमहंस बेस है, भजन कुटी में सानंद हो गए, उसको जोर जबरस्ती उठा के ले, अरे हमको यहाँ रखने दो, अरे जोर जबरस्ती लेके गया, कहाँ आम बागान में लेके गए कलकत्ता में। लेकिन कोई आदमी अगर कहे भक्तिविनोद ठाकुर परमहंस बेस लेके पूर्वाश्रम में क्यों गए, ये गाधा गुरु का बराबर, जे दिन गृहते भजन देखी गृहते गोलोक भाए, भक्तिविनोद ठाकुर हर वक्त वृंदावन में ही रहते, भक्तिविनोद ठाकुर अक्सर नैवेद्य में ही रहते, वो दूसरा जगह में नहीं रहते, वो कलकत्ता कैसे पहुंच गए, कलकत्ता नहीं गया वो बात, हम कलकत्ता नहीं गए, हम कलकत्ता नहीं जाते, हम गौड़ीय मिशन में जाते, जो गौड़ीय ये वृंदावन है अपराकृत संकीर्तन सदन गौड़ीय गौरंग महाप्रभु का जो ये जो संकीर्तन का युग इधर हो रहा है, इधर आए, हम कलकत्ता में नहीं गए, कलकत्ता में कभी नहीं जाते हम, भक्तिविनोद ठाकुर उठा के ले गया। तो क्या भक्तिविनोद ठाकुर कलकत्ता में रहा गया, जोर जबरदस्ती लेके गया, अब तब प्रभुपाद नहीं थे, प्रभुपाद होते तो थोड़ा मना करते, चलो ठीक है, लेकिन कहीं भी रहे ये महापुरुष, ये तो वृंदावन में ही है, वृंदावन में ही है, कोई आसक्ति कुछ नहीं है। तो भक्तिविनोद ठाकुर के जो जो संसार शिवास पंडित का संसार और अद्वैत गोसाई आदि
सबका जो ये बाहरी दृष्टि में शिवानंद सेन क्या हमारा मापी गया आसक्ति है नहीं है। निरासक्त होकर अपना कर्तव्य को पालन करते रहे और इसके द्वारा समाज संसार को व्यवस्था एकदम व्यवस्थित करके रख दिया है लोग। कर्मों का मतलब वेदोक्त कर्म है, आप वेदो वेद विहित तो कर्म कर्म ही कर्म वो भी अनासक्त के रूप में करना चाहिए, यही विचार है। अर्जुन तुम तो हम में बहुत प्रीति रखने वाले हो, हे अर्जुन तुम जो हो हमें बड़ा परिनिश्चित हो, मतलब मैंने प्रीति रखते हो बहुत। सो तुम्हारा पक्ष में वेद भी तो लोक मंगलदायक कर्मों लोक संघों का कारण करना चाहिए, इसमें तुम्हारा कुछ नुकसान है ही नहीं, क्यों नहीं कर रहे? वेद भी तो है तो और क्या, वेद का भार तो नहीं है तुम्हारा, ये धर्म युद्ध है, तुम्हारा कोई नुकसान का कोई बात ही नहीं, मेरा बात मान लो। लोक मंगल अर्थो समाज संसार का हित के लिए लोक मंगल अर्थो कर्म लोक संग्रह के कारण तुम जो अपना कर्तव्य कर्म है जो युद्ध है जरूर करो, उसमें तुम्हारा कोई नुकसान है नहीं, कोई नुकसान होगा नहीं। लेकिन एक बात पक्का है, जिन लोगों का अभी बुद्धि कच्चा है, बिल्कुल आसक्त भरपूर है, बुद्धि कच्चा है, ये लोगों को कभी भी भेदभाव मत बका भेदभाव पैदा मत करो इसका दिल में। बड़ा आसक्ति है, बहुत संसार में फंसा, बस चलो चलो संन्यास ले लो, क्या है इसमें, क्या रखा है, चलो अब जाके तो संसार का चिंतन हो रहा है। इसलिए गुरु वैष्णव का नियम है ये, इसका स्थिति क्या है, जैसा जैसा स्थिति है ऐसा ऐसा व्यवस्था, जैसा बीमारी है वैसा परहेज वैसा मेडिसिन दवाही। न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानम कर्म संगीनम, जोशयेत सर्वकर्माणि विद्याम मुक्त हो समाचरण। न बुद्धि भेद जनयेत अज्ञानम कर्म संगीनम, जो कर्म में आसक्ति रखने वाले फल में आशा रखने वाले जो है इसका बिल्कुल कच्चा अवस्था, ये लोगों का बुद्धि भेद मत करे। नौ बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानम कर्म संगीनम, जिसका कर्म में आसक्ति है फल में आसक्ति, कर्म में आसक्ति फल में आसक्ति जरूर है, इसका भेदभाव मत करो, बुद्धि भेद मत करो, इसमें नुकसान ही नुकसान। ये तो अपना मार्ग में चल रहा है, ठीक है, अपना अधिकार के अनुसार चलने दो इसको, अब उल्टा समझाओ तो सन्नास वंदन लेके भग जाए, तमाम मुसीबतें आन पड़ेंगे। न बुद्धि भेदम जानेद अज्ञानम कर्म संगीनम, योषयेत सर्वकर्माणि विद्याम युक्त समाचरण। अज्ञ व्यक्ति का बुद्धि भेद मत करो, सही रास्ता पे वो लोग चले चलने दो, फिर तो आप आचरण करके दिखाओ, उसका बुद्धि भेद करने जाओ तो इसका लिए हानिकारक बहुत नुकसानदायक हो सकता। अभी तो मैच्योरिटी नहीं है अंदर में, कर्म संगी अज्ञान पुरुषों के भक्ति उत्पादक ज्ञान के तात्पर्य जो बोलने जाओ हैं, ये श्रद्धा नहीं लगाते, श्रद्धा नहीं पैदा होता इसका अंदर में, क्योंकि अधिकार नहीं हुआ, इसका अवस्था ऐसा ही हुआ। बड़े बड़े जो महापुरुष है लोगों का क्षमता है, कभी कभी संभव नहीं इसको भी संभव करके छोड़ देता है, जैसे नारद जी ने महाप्रभु सनातन गोसाई को बताए, नारद जी आए और श्री वैद्य जो है पशुघाती वैद्य को भक्तों में बदल दिए, परशमनी है,
जैसे हरिदास ठाकुर जी लक्ष्य हीरा को एकदम सोने में बदल दिया, ना ही सोने में नहीं बदल दिया, सोने में नहीं बदल दिया और एक दूसरा परसमनी बना दिया। हरिदास ठाकुर लक्ष्य हीरा को सोने में बदला नहीं, हरिदास ठाकुर स्वयं स्पर्शमनी है और लक्ष्मी हीरा को भी एक स्पर्शमनी में बदल दिया, ताकि ये लक्ष्य हीरा जिस जिन जिन लोगों का वो दृष्टि दे कृपा करे उसका भी बेरा पार हो जाए, ऐसा लिखा हुआ है। हरिदास ठाकुर उसको स्पर्शमनी बना दिया, खुद तो स्पर्शमनी है ही है। हरिदास जी का सम्मुख में जो कुछ भी आया है ये अगर मायावादी मुस्लिम बदमाश नहीं हो तो ठीक है, उसका लिए तो परिवर्तन, लेकिन फिर भी हरिदास की स्पर्शमणि है और लक्ष्य हीरा को स्पर्शमणि में बदल दिए। नारद जी महाराज त्रिवेणी का रास्ते में चल रहे, चलते चलते जंगल में ऐसा एक वैद्य का संधान वेद का साथ भेंट हुआ, जिन्होंने बहुत सारे पशुओं को मारते, आदमी को भी मारते हैं, आदमी को भी मारते, लुटेरा है, मक्कार लुटेरा है, और इसको नारद जी ने कैसे कैसे परिवर्तन करके छोड़ दिया। अरे ऐसा परिवर्तन कर दी कि ये वैद और वैद नहीं रहा, इतना बड़ा साधु बन गया कि एक चींटी को भी मारने के लिए उसका दिल में कष्ट होता है। जब पर्वत मुनि और नारद जी फिर दोबारा आए, पहले बार तो बहुत सारे घटना है, ये तो नारद जी को ऐसे बोले, नारद जी को पकड़ के रखे, ठीक है हमको पकड़ के रखो, पूछ के आओ। जब घर में जाके देखे कोई मेरा पाप का हिस्सा लेने के लिए तैयार नहीं तो आग में रो पड़े, हमको क्या रास्ता दिखाओ। पहले आपने जितना जितना पानियों को आपने मारा, सब अपेक्षा कर रहा है आपको भी मारेगा, बी केयरफुल, तो रास्ता बताओ, रास्ता तो एक ही है, जा नदी में नहा के आ जाओ और मंत्र ले लो और जपते रहो। खाना पीना कैसे मिलेगा? अरे खाना पीना का चिंता मत करो, अगर तीर धनु को तोड़ दो, तीर धनु तोड़ दिया जाए तो खाना कैसे मिले? खाना मिलेगा, इतना खाना मिलेगा तो खाने का तुम्हारा हिम्मत ही नहीं है। अच्छा ठीक है, बट के भजन की और सचमुच नारद जी द्वारा देखने के लिए आए पर्वत जी के, पर्वत मुनि के साथ, दूर से गुरु जी को देखा, छलांग लगा के भजन कुटी से उतरा और भूमि को एकदम अपना कपड़ा देके झाड़ू लगाया और उसके बाद दंडवट हो गया, क्योंकि चेटी भी है वो अगर मर ना जाए। इतना बड़ा साधु बन गया। देखो अंतिम में पर्वत ऋषि पर्वत मुनि हैरान होके रह गए, बोले ऐसा कैसे? बोले हाँ ऐसा असंभव नहीं है, जो लोग भगवान का भजन करते हैं, भगवान विष्णु भगवान कृष्ण का, उसका अंदर में हिंसा बोल के कुछ चीज नहीं रह जाती, अगर है तो भजन किया ही नहीं। इसीलिए देखो कभी कभी ऐसा पावर है, कभी कभी किसी महापुरुष में ऐसा, जैसे नारद जी है, ऐसा हो सकता जगह मदाय को चेंज कर दिया नारद हमारा नित्यानंद प्रभु जी, हो सकता कभी कभी, लेकिन अक्सर ये नहीं है। इसीलिए भगवान बताए जो यूजुअल प्रोसीजर, स्वाभाविक रूप, स्वाभाविक रूप से अक्सर ये नहीं हो पाते, इसीलिए ठाकुर जी बोले ये हानिकारक होगी, ये अगर आप उसको बुद्धि भेद बताओगे, कर्म पर सब छोड़ के सब फेंक फाक के चले जाएंगे, और अधिकार तो हुआ नहीं, अंदर में आ सकती है पूरा, है ना, सब कुछ है, दूषित खून है उसका, और तुम उसको भेज दिया बस, वहां जाके मैं मठ में गला कटना शुरू कर दिए, ये कर दिया वो कर दिया, क्या फायदा है? कम से कम हरिभक्ति विलास में जो लिखा हुआ है मानना चाहिए,
ये अगर बोले कि हरिभक्ति विनोद को कुछ मानना नहीं चाहिए, फेंक दो, तो सनातन गोस्वामी का अपमान है। हरिभक्ति विनोद जितना सारे प्रोसीड्योर बताया, ये किसको मंत्र दिखा देना चाहिए। अगर आप साबित करने का कोशिश करो कि हम ये सनातन गोस्वामी से भी बहुत बढ़ के करुणामय है, तो ये आपका लिए बड़ा नुकसानदायक है, सर्वनाश हो जाएगा। ऐसा होनी चाहिए ऐसा बोलने से। तो कम से कम समाज का ये जो हालत है उसको रोकने के लिए दीक्षा कौन को देना चाहिए, क्यों देना चाहिए, किस स्थिति पे दीक्षा, क्या चीज है जिसको दे रहे हो समझा कि नहीं। आपका जो दीक्षा मंत्र है आपका जिंदगी में सच्चा हुआ कि नहीं, मतलब सिद्ध हुआ कि नहीं। जो मंत्र हमारा जिंदगी में सिद्ध नहीं हुआ वो मंत्र दूसरे को देकर क्या फायदा है, है? क्या फायदा है? जिसका अंदर में बीज जो ही नहीं है वो मंत्र क्या काम का है, ऐसे ही चल रहा है। तो इसीलिए बताए कि नौ बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानम कर्म संगीनम, जो श्वेत सर्वकर्माणि विद्यान युक्त समाचरण, निराशक्त होके सब कोई को रास्ता दिखाना ये जरूरी है। ये लोगों तो आसक्ति है, जो जबरदस्ती भक्ति का उपदेश देखो इसका श्रद्धा नहीं है, आके क्या करे, बैठे बैठे खाएगा हराम को और सोएगा, और काम क्या है, दो काम है, एक खाना एक सोना, और दूसरा काम नहीं है। छोटा मोटा को सी भी है सेवा, जो जो से बोला वो भी कर दिए। ऐसा करके भगवान बताए कि देखो जिसका आसक्ति है उसको एकदम सही रास्ता में रखो, उसको अगर त्याग वैराग्य का उपदेश करने जाओ तो ये हानिकारक है समाज के लिए, समाज संसार के लिए बड़ा नुकसानदायक है। ये तो ग्रहण नहीं कर पाएगा, अनुभव नहीं है, अब करना शुरू कर दिया तो क्या होगा। कभी कभी शुद्ध भक्त महत व्यक्ति के संग में द्वारा किसी किसी के अंदर में हैं परिवर्तन आ सकता है, ये रेयर केस कभी कभी हो जाता है। ये होता है कि महापुरुष का दर्शन, जैसे प्रभुपाद जी असम प्रचार में गए तो लौटने के टाइम में बैलगाड़ी में बैठकर आस्ते आस्ते जा रहा है, और एक बच्चा जो है अच्छा एक बच्चा है वो पीछे पीछे प्रभुपाद को देखते देखते जा रहा है दौड़ते दौड़ते। प्रभुपाद जी उसका साथ दो चार बातें करें, कहाँ रहते हो, क्या नाम है, क्या करते हो, क्या पढ़ाई करते हो, ऐसा करते करते अरे देखो एक साधु को देखा है दो चार शब्दों का कुछ भी नहीं, हरि कथा भी नहीं सुना, वो बच्चा बाद में जाके साधु बन गया। परम भय भक्ति तो माधव गोस्वामी महाराज के चरण अस्त गया, बामन महाराज थे ये, हमारा देवानंद गोनी के बामन महाराज नहीं है और एक बामन महाराज। देखो साधु दर्शन का क्या प्रभाव, कुछ भी नहीं। प्रभुपाद का चरण आश्रय करने के लिए सोचा लेकिन प्रभुपाद चले गए, तो परम भक्ति तो माधव गोस्वामी महाराज का शिला माधव गोस्वामी महाराज चैतन्य मठ का थोड़े दिन के लिए आचार्य बने थे सब कोई का आदेश के द्वारा, लेकिन हंगामा हुआ उल्टा पलटा हुआ। इतना प्रभावशाली व्यक्ति है माधव गोस्वामी महाराज। चलो ऐसा करके देखा जाए शुद्ध बड़ा बड़ा महात्मा का शरण में जाए कुछ कुछ इसका ऐसा प्रभाव है, कभी कभी इसका इतना प्रभाव है इसके द्वारा किसी का भी परिवर्तन होना बिल्कुल संभव नहीं, हो भी जाता, क्योंकि शुद्ध भक्ति जो है ए इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड क्रीड एंड सिचुएशन, क्या स्थिति में है, कौन जात पात है, कुछ भक्ति देवी इसका कोई अपेक्षा नहीं रखती है। चित्त शुद्धि के लिए ये काफी है। एक महापुरुष अगर किसी को कृपा कर दिया हो गया, अरे महापुरुष आदमी का तो दूर की बात है। ये रसिकानंद मुरारी जी एक हस्ती गोपाल को ये जो है
उसे परिवर्तन कर दिया बांकुड़ा में, पूरा परिवर्तन। है तो हाथी, पगला हाथी, वो भी क्रेजी एलिफेंट, उसको मनाया। और जो मारने के लिए आ रहा है तो रसिकानंद वो खड़ा हुआ है, अरे कितना जन्म जन्म तू ऐसा किया है, और भी इसी जन्म में पगलपंथी करे, बैठ हरिनाम कर। भर के बैठाया और कानों में हरिनाम दे दिया, बस हो गया। जिंदगी भर वो साधु संतो समाज का सेवा करना शुरू कर दिया। कभी लकड़ी लाए, कोई चाल उठाकर लाए, कौन रुकेगा, हाथी आ रहा है, अब भागो भागो, जितना चाल गांव जितना जाए घी तेल वो सब उठा के ले आए, बिना खर्चा सेवा किया, भंडारा कर दिया, लकड़ी लाए। तमाम जिंदगी ये हस्ती गोपाल जो है, पहले तो क्रेजी पागल हस्ती, वो आदमी था, किसी वैष्णव के चरण में अपराध करके पागल बन गया हाथी, और इस जन्म में ये रसिकानंद प्रभु का कृपा प्राप्त होके इसका पागलपंथी समाप्त हो गया शुद्ध। तो भक्ति ऐसा चीज है कि पूछो मत किसका अंदर में आ जाए, क्यों आए, ये बोलना बहुत मुश्किल। भक्ति देवी निरपेक्ष है, आना कोई बड़ा बात नहीं है। सो साधारण आदमी जो माया में फंसा हुआ है, कर्म तत्व के बारे में कोई जानकारी है नहीं, भेदभाव है अंदर में, आसक्ति है, उसको अगर तुरंत जाके बोलो चल 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 लाल कपड़ा दे देते, तैगी बन जाए, और क्या होगा, यही होगा जो हो रहा है, यही होना है ना, और क्या होना है, क्या आशा रख सकता, इससे बढ़कर पैसा जमाओ बैंक में जो प्रणामी सब, अरे प्रणामी खा जाएगा तेरे को, ये प्रणामी खा जाएगा, प्रणामी सारे खर्चा कर दे ठाकुर जी का सेवा में। गोवर्धन में एक गया प्रसाद जी बोल के एक थे गृहस्थी महात्मा, ये निम्बार्क संप्रदाय का है क्या है, बहुत सुंदर कथा बोलते थे बुढ़ापे में भी, और कभी कभी इतना बड़ा भागवत कथा सब कुछ करते थे, हमारा गौड़िया संप्रदाय कहने, फिर भी सुनने लायक बात है इसलिए सुनाता हूँ। गोवर्धन में अभी भी जाओ, वह गया प्रसाद जी का बारे नाम पे भंडारा होता है, और वो गृहस्थी है, इतना गरीब इतना गरीब, रोज दो रोटी मिलना इसके लिए मुश्किल बन जाता, लेकिन कभी शास्त्रों को बेचा नहीं, कभी जगह सब श्रद्धा रखते थे। अब कभी अगर भागवत कथा पता कर दिया गोवर्धन के किनारे में, बहुत सारे पैसा इकट्ठा हो जाए, वो सारे इकट्ठा पैसा को लेके भक्त लोग एक गिन के देख तो कितना हुआ, गिन देख, गिन के इतना हो, चल काल भंडारा कर दे, पूरा पैसा को खर्चा कर दे। खाली हाथ आया हरी कथा बोलने की, खाली हाथ चला गया। महाराज ऐसा भी आदर्श है, ऐसा नहीं कि हम गिर गया, सब आदमी गिर गया, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सत्संग भी करता होगा कोई, कोई कोई सत्संग करता है, हर आदमी असत्संग करता है। आज जो आदमी सत्संग सत्संग बोध करता है, उसका तो कोई रास्ता ही बचेगा नहीं, वो तो मरेगा ही, उसका लिए क्या रास्ता बचेगा। सत्संग असंग असत्संग एक साथ चलता है, सत्संग मतलब है असत्संग छोड़ दो बिल्कुल। बरम हुता बहु ज्वाला पंजरांतर व्यवस्थिति न सौरी चिंता विमुख जनो संगवास वैशसम। बरम हुतो बहु ज्वाला पंजरांतर व्यवस्थिति न सौरी चिंता विमुखो जनो संगवास वैशसम। बांछा कल्प दुर्वश्य के पासिंद व्यवच पतितानं पावने भो वैष्णवभ्यो नमो नमः।